नमस्कार दोस्तों, राम कला क्षेत्र दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ धुआं करके हम मच्छर को किस तरह से भगा सकते हैं, जो सही तरीका क्या है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हमें बता कर गए हैं, हमें सिखा कर गए हैं। आप लोग इस वीडियो में कम्प्लीट देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मन में सवाल है तो कमेंट भी कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं चारा जो हमारा ख़राब हो जाता है, पशु खाते नहीं, उसको भी हम इसके नीचे रख दें, सबसे नीचे, ताकि जो धुआं सुलगाने में बहुत अच्छा काम करता है वो जल्दी से जल नहीं जाता, वो धीरे धीरे धुआं करते रहता है। तो जो भी आपके पास जितनी पशु हैं उसके हिसाब से आप धुआं कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप मात्रा ले सकते हैं। तो जो हमें सुलगा रहे हैं यानी जला रहे हैं, धुआं करने वाला हूँ, तीन के पास एक भैंस है और उस भैंस को देखिए आप किस तरह से, जैसे जल गया है, जलने के बाद ही इसे रखना है। ऐसा नहीं कि भपक कर पूरा जल जाए और ये पत्ती भी उसी में जल जाए। तो इसको जब जलने लगे तो इस पत्ती को रख दीजिए, फिर क्या होगा कि वो बुझ जाएगा। बुझने के बाद जो है वो धीरे धीरे धुआं करता रहेगा और इसकी खुशबू से, नीम की दुर्गंध से, खुशबू से जो भी मच्छर होंगे, जितने भी होंगे, सभी मच्छर भाग जाएंगे। लेकिन इतना ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप तगाड़े में रख रहे हैं उसको जो है भैंस से उतना दूर रखें ताकि भैंस अगर आगे पीछे होती है तो उसका पैर जो है इसमें ना लग जाए। इससे क्या है, वो गिर सकता है, हमारी जो पशु है, भैंस है या गाय है, वो जल भी सकती है। तो इसके लिए दूरी बना कर रखें। इसको सुलगाने से क्या है, पूरी रात ये सुलगता रहेगा, नीचे जो है जिस तरह हम बताए उसी तरह आपको रखना है। फिर पूरी रात आपके पशु को कोई भी मच्छर नहीं काटेगा, मक्खी नहीं काटेगी और आपकी जो भैंस गाय हैं स्वस्थ रहेंगी। दोस्तों मैं उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।